हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को न्यूट्रॉन एक्शन एरिया 3 में मर्लिन ग्रुप का लेक स्केप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, आज फिर बना रहा हूं, क्योंकि अब यहां पर बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं रह गए हैं, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में 3 BHK रह गए हैं। कुछ टेरेस फ्लैट भी हैं और कुछ नॉर्मल फ्लैट भी हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप लोगों का दोस्त। आज मैं न्यूट्रॉन एक्शन एरिया 3 में मर्लिन ग्रुप का लेक स्केप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो फेज़ 2 से रिलेटेड है। आप जो ये टावर्स देख रहे हैं, ये सब सारे टावर्स फर्स्ट फेज़ का है और क्लब हाउस बनकर तैयार हो गया है। आज के डेट में सेल्स ऑफिस इस क्लब हाउस में ही है और इधर फेज़ 1 का काम इधर है और फेज़ 2 का इस तरफ चल रहा है। मैं बाद में आप लोगों को सामने से भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं मॉडल फ्लैट देखने के लिए। अब हम मॉडल फ्लैट में आ गए हैं, 3 BHK, 2 टॉयलेट, मर्लिन लेक स्केप। ये गेट से एंट्रेंस हुआ, ड्राइंग कम डाइनिंग है और ये आप जो देख रहे हैं ये बालकनी एरिया हो गया। बालकनी काफी बड़ा बालकनी है। और जब हम गेट से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के राइट हैंड साइड में 8x1x9.8 का ये किचन है। किचन काफी अच्छा है और बड़ा है, जो 3-4 लेडीज इसमें काम कर सकते हैं, 3-4 लोग इसमें काम कर सकते हैं किचन में। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में जाने पर एक बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम हुआ। ये मॉडल फ्लैट काफी सुंदर बनाया गया है मर्लिन लेक स्केप में। और ये बेडरूम का साइज हुआ 10.8x10 फुट, ये बेडरूम का साइज हुआ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये 10.8 हुआ। और इधर पूरा 10 फुट का चौड़ाई हुआ। ये एक बेडरूम हो गया, काफी सुंदर बेडरूम है। ये वो कॉमन टॉयलेट, एट पॉइंट टू बाई फोर पॉइंट टू फुट का टॉयलेट हुआ। और ये चाहे तो आप अपने से भी बेसिन लगा सकते हैं या फिर कुछ आप यहाँ पर वार्डरोब का काम वगैरह कुछ कर सकते हैं। ये दूसरा बेडरूम हो गया, इस बेडरूम का साइज है 10.6x10.2 फुट का ये बेडरूम हुआ। और इधर वार्डरोब का भी जगह बनाया गया है, काफी जगह है वार्डरोब में। काफी अच्छा इंटीरियर किया गया है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर मनमोहक लग रहा है।
अब हम मास्टर बेडरूम में जा रहे हैं और जिसका साइज 12.6 × 12.2 फुट का ये बेडरूम हुआ, मास्टर बेडरूम। ये अटैच वॉशरूम हो गया। इधर दो विंडो है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा रहता है जिस रूम में दो विंडो रहता है। और मर्लिन का प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएं, इनका हर काम इतना अच्छा होता है, इनका माल देखते देखते बिक जाता है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स जो अवेलेबल हैं ऐसी बात नहीं है, 1.5 BHK 2 BHK टोटली सोल्ड आउट हो चुके हैं, बहुत ही कम फ्लैट रह गए हैं जो 3 BHK हैं। इनका इंटीरियर भी काफी शानदार है। सो फ्रेंड्स, 903 स्क्वायर फुट का 85 लाख रुपीस 3 BHK 2 टॉयलेट न्यू कनेक्शन एरिया 3 मर्लिन लेक स्केप में ये शानदार फ्लैट है। अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट है, 2027 में इसका पोजीशन डेट है एज पर रेडा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं जैसे किड्स प्ले एरिया, आउटडोर फिटनेस, एक्वा प्रेशर कोर्ट, सीनियर सिटीजन पार्क, मल्टीपर्पज़ लॉन, बैंक्वेट जोन, कवर कार पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग, ओपन कार पार्किंग, रूफटॉप पार्टी जोन, मेडिटेशन जोन, गार्डन, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, जकूजी, कम्युनिटी हॉल, 30,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस, ये सब इस सोसाइटी में होने वाले हैं। 3.9 एकड़ में यहाँ पर टोटल 6 टावर बनेंगे। आज के डेट में जो भी फ्लैट है सेकेंड फेज में है, जो 3 BHK ही फ्लैट रह गए हैं, 1.5 और 2 BHK के फ्लैट अब यहाँ पर नहीं रह गए हैं। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी के सबसे बड़ा USP लोकेशन है, तो फ्रेंड्स देरी ना कीजिए, कॉन्टैक्ट करके साइट विजिट आने का प्रोग्राम बनाइए। फ्रेंड्स, अब मैं मिनिएचर में आया हूँ। अब मिनिएचर के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि टोटल प्रोजेक्ट कैसा है। कैसे प्रोजेक्ट बना है इस मिनिएचर के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट का गेट हुआ, यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये ड्राइववे हुआ। इधर का जो टावर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फेज का टावर था, 4 टावर। ये क्लब हाउस, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, क्लब हाउस बन चुका है, यहीं पर सेल्स ऑफिस बना हुआ है। ये 2 टावर सेकेंड फेज में लॉन्च हुए हैं और इनमें जो पहले का प्लान था वो चेंजेस हुआ था, अब उसका परमिशन मिल चुका है। इस साइड एमिनिटीज़ हैं और अगर उस साइड हम देखेंगे तो लेक व्यू है। ये झील व्यू हुआ, लेकिन झील व्यू फ्लैट अब ना के बराबर ही है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है अपना मनपसंद फ्लैट लेने के लिए मुझे
मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। झील के तरफ से ये सोसाइटी देखने में ऐसे ही लगेगा और आप ये क्लब हाउस देख रहे हैं जो बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप ये जो काम देख रहे हैं, इस तरह का जो भी काम है, ये सेकेंड फेज का काम आप देख रहे हैं। देखिए, टावर टू का काम आप देख पा रहे होंगे, टावर टू का काम इतना हो चुका है और काम यहाँ पर बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत काम का स्पीड तेज है। इस तरफ टावर वन का भी काम चल रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो भी पोजीशन डेट है एज पर रेरा, उससे कोशिश किया जाएगा कि पहले ही दिया जाए, 4-6 महीना पहले ही हैंडओवर कर दिया जाए। वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में ये हो जाएगा। जिस तरह का लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ का प्राइस बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर टेरेस फ्लैट खोजते हैं तो टेरेस फ्लैट भी अवेलेबल है, बहुत सीमित नंबर में है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो तो मुझे जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कीजिए। प्राइसिंग वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट मैच करता हो, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट हो, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं भी जब भी वीडियो डालूँ उससे पहले आप नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।